घर ही पे थे तो ऐसा उसके खांसी आया तो शॉर्ट ब्रेथ होना शुरू हुआ और पसीना आया तो हम तुरंत हॉस्पिटल ले गए। वो ऑक्सीजन पे थे और उन्हें इंजेक्शन वगैरह दिया गया ताकि उनका दोबारा हार्ट अटैक ना आए। हमें दूसरी अस्पताल में प्राइवेटली जाकर अपना एंजियोग्राम और इत्यादि एको इत्यादि कराना पड़ा ताकि हमें पता चल पड़े कि हमें कितना हद तक जो अटैक ये हुआ है। तो जब एको होने के बाद में फिर एंजियोग्राम हुआ, एंजियोग्राम से पता चला कि हमारे तीन आर्टरीज जो है 2 80% और 100% ब्लॉक है। तो उसके बाद में पता चला इसका जो सर्जरी है काफ़ी रिस्क है क्योंकि इनको डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है। तो डॉक्टर ने कहा वेरी रिस्की, बहुत रिस्क है। तो एको के बाद में हमें पता चला कि हमें तीन आर्टरीज है वो ब्लॉक है और हमें इसके बाईपास कराने के लिए और कोई चारा नहीं है, कृपया बाईपास है एक ही रहा है जिससे आप बच सकते हैं, अपना जीवन सुधार सकते हैं, डॉक्टर ने हमें बताया, और इसके लिए आपको विदेशी इलाज कराना है। जी हाँ, हमारे डॉक्टर जी ने दो जगह पे विदेशी इलाज के लिए उन्होंने बताया, एक न्यूजीलैंड और एक दूसरा यहाँ इंडिया में। तो पता लगाने पर ऐसे चला के जो न्यूजीलैंड में इलाज हो रहा है वो लगभग यहाँ से 3 गुना ज़्यादा कॉस्ट बैठता है। और ऐसे भी और लोगों से भी हमें सुनने को मिला कि यहाँ पर बहुत अच्छी से इलाज होती है और इसके लिए हम लोगों ने मियोट इंटरनेशनल यहाँ हॉस्पिटल पर अपना इलाज के लिए आए हैं। कॉन्फिडेंस तो हमें हमारे परिवार और फेसबुक पर जो आप लोगों का पेज है उसको भी देखने से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, करीबन एक सप्ताह मुझे कह सकते हैं कि हर एक मशीन पर ले गया गया, हर इलाजी करने के लिए चेक करा गया, लेकिन बाद में पाया गया कि मुझे और कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। उसके दौरान डॉक्टर जी ने मुझे पर्सनली आकर कहा कि देखिए सुरेश भाई, और आपके कुछ और कॉम्प्लिकेशन हैं और आपके जो सर्जरी है ये काफ़ी रिस्क लग रहा है। हम खुद को सरप्राइज थे कि करीबन खाली हाफ एन आवर के टाइम में डॉक्टर लोग हमारे पास आने लगे और अन्य चेकिंग करके करने के लिए मुझे ले जा रहे थे। करीबन एक सप्ताह तक मुझे हर तरह से चेकिंग किए जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसे और चेकिंग हमारा होगा। सर्जरी के बाद में जब मैं बताया कि अच्छी तरह से रिकवर हो रहे हैं तो बहुत खुश थे। और फिर दिन प्रतिदिन जैसे उनका जो पीड़ा था वो कम होते गया और उनका स्वास्थ्य लाभ अच्छी तरह से कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे और क्या होगी।